हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब चलता रहेगा. अच्छा, मुझे ये बताइएगा सारे लोग कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं. कल रिजल्ट आ रहा है इंटरमीडिएट और आईपीसीसी का. ओके, मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिविजन से, कितनी भी चीजों से, बहुत सारी चीजों से आप पढ़ते हैं. आजकल आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है, राइट? इफ यू हैव वेदर यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी और नॉट, हर स्टूडेंट के लिए बहुत दिल से, ठीक है ना, बहुत प्यार भरा मैं बोलूंगा, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन. मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, ठीक है ना, चाहे जो भी हो, सभी बच्चे, मेरी तो कोशिश है, मेरी उम्मीद है कि सभी बच्चे जो हैं पास हो जाएं तो और भी अच्छा लगे, हमें बहुत मजा आए. ठीक है, काश सीए में इतनी डिमांड होती कि सारे बच्चे एक साथ पास हो जाते, बहुत अच्छा लगता. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डिस्कस करना था, एक तो मुझे लगता है कि रिजल्ट का जो टाइमिंग है, ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि शाम को 6 बजे तक रिजल्ट आएगा, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो 6 बजे से काफी पहले, यानी 1-1.5 बजे के आसपास मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूं, यानी अराउंड 2 o'clock मेरी रिजल्ट की एक्सपेक्टेंस ये कि या तो 2 बजे के पहले आएगा, और अगर 6 बजे बोला है तो या फिर आएगा लेट नाइट. एक बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है लेट नाइट आया, मतलब रात को 10:30 बजे आईपीसीसी का रिजल्ट उन्होंने एक बार घोषित करा था. दैट वॉज वे बैक इन मे 2012. सो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये अभी फिर से भी हो सकता है. हालांकि अगर मैं देखूं इंस्टीट्यूट के पास जो इतना डेटा बेस है और जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं, मुझे लगता है कि रिजल्ट 2 बजे के आसपास आ जाना चाहिए सारे ही बच्चों के लिए. तो अपनी जो वेबसाइट है उसको छोड़िएगा नहीं, वैसे ही कोई कहने की बात नहीं है. मुझे पता है कि आप सुबह से कंसर्न हो जाएंगे, लेकिन कोई बच्चा इस तरह से ना रहे कि हाँ भाई 6 बजे आएगा, रिजल्ट आ जाएगा थोड़ा पहले ही, जैसी मेरी अप्रोच है, मेरी सोच है. ओके, लास्ट टाइम भी हमने गेस्ट वर्क दिया था रिगार्डिंग द डेट ऑफ द रिजल्ट और वो सही पड़ा था. उम्मीद करता हूँ ये वाली बातें भी, जितना मुझे पीछे से जानकारियां मिलती हैं, ये बात भी कहीं ना कहीं सही जाए, क्योंकि सर्वर पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है. तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि कंटेंशन कम करने के लिए व्हाट दे डू इज दे अनाउंस अ पर्टिकुलर टाइम और जनरली उससे थोड़ा पहले ही रिजल्ट को अनाउंस कर देते हैं, तो आपकी बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाती हैं, ट्रैफिक मैनेज हो जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट टाइमिंग टुमारो. इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल जैसा भी रिजल्ट हो, अपना एंड गोल दिमाग में रखना, एंड दैट इज क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. आपने जो अपनी विजन बनाई है वो होनी चाहिए सर कम से कम 10 साल के आसपास की. अगर आप 10 साल आगे सोच रहे हैं कि मुझे 10 साल बाद अपनी लाइफ में कहां दिखना है, तो आप सही सोच रहे हैं, तब आप इस कोर्स को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्कोप है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर होने वाली है जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट विल हैव अ मेजर रोल. ही विल बिकम द बैकबोन ऑफ द नेशन, मैं पक्का बोल सकता हूं इस तरीके से. फाइनेंस के सेक्टर की ग्रोथ देखो तो डबल है एज कम्पेयर टू योर जीडीपी, तो जीडीपी के कंपैरिजन में भी फाइनेंस 2 गुना बढ़ता है. इसका मतलब अगर आपने इस सब्जेक्ट को या इस कोर्स को ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज अगर आप एक बार फेल हो गए या 2 बार फेल हो गए, किसी का तीसरा अटेम्प्ट लग रहा है, डोंट डू दैट अनलेस यू आर वेरी श्योर दैट यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस कोर्स. अन्यथा इस कोर्स के साथ बने रहें, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए मैजिकल चेंजेस ला सकता है. मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए और जिनकी लाइफ बहुत नॉर्मल है, या मैं बोलूंगा कि ठीक लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उनकी लाइफ में भी, बट आई हैव सीन सर्टेन, या फिर मैं बोलूँगा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत लेट क्लियर करने के बाद और आज बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है ना. तो सी आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है. साथ के साथ अगर आप फेल हो तो आप ये सोचें कि अभी इसको तुरंत 3 महीने में कैसे रिकवर करना और कैसे, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इस कोर्स में, ना कि ये सोचें कि इसको छोड़ दिया जाए कि करा जाए आगे, ठीक है ना. और बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ना, ये डिसीजन के बारे में पहले से सोच के रखना कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है. कल के बाद कोई टाइम वेस्ट ना करें. अगर रिजल्ट आता है उल्टा, तो अगर बहुत अच्छा आता है तो वेल एंड गुड, गो फॉर अ ग्रेट आर्टिकलशिप. उससे रिलेटेड हम कुछ बातें जरूर करेंगे आपके साथ में, मैं कुछ अपकमिंग वीडियोस लेकर के आऊंगा. लेकिन अगर खराब रिजल्ट आए, डू नॉट वरी एट ऑल, बिकॉज दिस टाइमिंग विल नॉट मैटर एट ऑल. अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, इट विल नॉट मैटर मच. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज बने रहेंगे एज फार एज लॉन्ग एज यू आर देयर इन दिस कोर्स. तो इस कोर्स को कृपया करके ना छोड़ें केवल इस बेसिस पे कि आप एक बार फेल हो गए या 2 बार फेल हो गए.
आप अपने टेक्निक को, पढ़ने के तरीके को, इंस्टीट्यूट के सवाल पूछने के पैटर्न को, इन सब चीज़ों को जज जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने 11th 12th में कैसा करा, ये सब मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करता है कि अभी आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे और क्या वो पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रेलेवेंट, एग्जाम स्पेसिफिक और कॉन्सेप्चुअल है या नहीं है। तो इसका ध्यान रखना बस। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर कमिंग अप विद देयर ग्रेट रिजल्ट्स टुमारो टू मी, और जो लोग पास होंगे सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं उन सबको भी वेल विश करना चाहता हूं कि अगर आप फेल होंगे इट वुड जस्ट बी अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, अगेन आप आगे बढ़ें और वापस से अपना वापस से अटेम्प्ट दें, और मुझे लगता है दैट इट वुड बी अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट, अगेन मिलते हैं फिर से, टाटा।